हेलो एवरीवन, वेलकम टू द री टैरो 1111। मैं हूं आप सबकी दोस्त री। कैसे हो आप सब? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। ये है आपका जनवरी 2024 का प्रेडिक्शंस, कैसे होने वाला है पहला मंथ नए साल का। ओके, और ये होने वाले हैं आपके जोडियक साइन के अनुसार। यानी कि अगर आपका फायर साइन है, आप चूज कीजिए ये वाला कार्ड, एस ऑफ वॉन्स, फायर साइंस एरीज लियो सैजिटेरियस। अगर आपका अर्थ साइन है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ये है आपका कार्ड। अगर आपका वाटर साइन है, कैंसर पाइसी स्कॉर्पियो, ये है आपके कार्ड द थर्ड पाइल। और अगर आप है एयर साइन, एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाई, आपके लिए है ये फोर्थ कार्ड जो कि है एयर साइंस का। ओके, टाइम स्टैम्प पे आप सबको आपका जो टाइमिंग है वो दिख जाएगा। ऑलराइट, और आज हम लोग देखने वाले हैं आपके लव लाइफ, करियर, हेल्थ, फैमिली, फाइनेंसेस। साथ ही साथ हम लोग ऑरेकल मैसेज आपके लिए लेके टी लीफ कार्ड्स लेंगे और मेरे हैंड रिटन मैसेजेस से भी हम देखने वाले हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन द रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल फायर साइंस। तो अगर आपका साइन जो है वो है एरीज लियो सैजिटेरियस, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। बाय द वे, आप जो है सन साइन, मून साइन, राइजिंग कोई भी चूज कर सकते हैं जिसके साथ आप सबसे ज्यादा रेजोनेट करते हैं। ओके, सो पहला हम लोग देख लेंगे आपके लव लाइफ कैसे रहने वाला है इन जनवरी 2024। ध्यान में रखिए गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो मैसेजेस रेजोनेट करे आपको ले लेना है, जो ना रेजोनेट करे उसको आपको जाने देना है। ओके, साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, यानी कि लड़का लड़की सबके लिए है ये वैलिड। ओके, सो लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, थैंक यू सो मच। वाओ, फर्स्ट कार्ड वी हैव द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, डेथ इन रिवर्स। मैं आज रिवर्सल्स भी ले रही हूँ गाइस, ठीक है। एस ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। बाय द वे, ये अगर आपने नोटिस किया है ये उड़ के भी आया था, ठीक है, इस डेक से। सो लेट्स सी, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर्स आए हैं, नंबर 6, 13, 4, 1 एंड 8। यहाँ पे एनर्जीज कुछ इंपॉर्टेंट आए हैं, लियो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये एनर्जीज के साथ आप डील कर सकते हो इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024। सो यहाँ पे जो दिख रहा है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, विद द स्ट्रेंथ कार्ड एज द बॉटम ऑफ द डेक, यू आर डेफिनेटली हीलिंग इन योर लव लाइफ इन जनवरी 2024। अगर आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे थे या फिर इन जनरल आप कुछ लो कॉन्फिडेंस या सेल्फ लव की कमी महसूस कर रहे थे, जनवरी के मंथ में वो पूरा होते हुए दिख रहा है। यू आर कॉन्फिडेंट एंड आप एकदम फुल ऑन ग्लो अप कर रहे हो, ठीक है। यू आर फीलिंग अमेजिंग, बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन। अगर ऑलरेडी आपका कोई पार्टनर है जिसके साथ आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर ऑलरेडी आप मैरिड है, मुझे दिख रहा है इक्वल गिव एंड टेक उसमें डेफिनेटली होगा। यू विल फील वेरी वेरी हैप्पी, आपके साथ फाइनली आपको लगेगा कि जस्टिस हो रहा है, ठीक है। मे बी आपको हमेशा से ही कंप्लेन थी कि आपके पर्सन आपको टाइम नहीं देता, अटेंशन नहीं देता, बट ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स है वो जाता हुआ दिख रहा है इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024। देन वी हैव डेथ रिवर्स। सो अगर आपकी ब्रेकअप हो गई थी और आप रिकंसिलिएशन चाह रहे थे, दैट इज कमिंग फॉर यू। एंड अगर आप पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे थे, वो भी आपके लिए हो रहा है, ठीक है। यस, ये जनरल रीडिंग है, जो लोग पास्ट के लिए वेट कर रहे थे, दिस इज फॉर देम। अगर आप न्यू कनेक्शन चाह रहे हैं, देन डेफिनेटली वो भी आपके लिए आ रहा है विद द एस ऑफ कप्स, जो दिखाता है ब्रांड न्यू बिगिनिंग। ओके, सो यस, अ न्यू पर्सन विल एंटर योर लाइफ। फॉर सिंगल पीपल, सेपरेटेड लोग, आइदर कुछ लोग रिकनसाइल कर सकते हो या फिर कुछ लोग नए पर्सन को चूज कर सकते हो, ओके, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। बाय द वे गाइस, ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने जो है मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और अभी बहुत अच्छा ईयर एंड सेल चल रहा है एंड इट्स वैलिड फॉर ओनली 24 आवर्स। सो अगर आपको बुक करवानी है, जल्दी जाओ और आज के आज ही बुक करो बिफोर द स्लॉट्स आर फुल। ओके, ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू योर करियर। सो लव लाइफ लुक्स गुड। अच्छा, एक ओरेकल भी ले लेते हैं आपके लव लाइफ के लिए, उसके बाद हम करियर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। लेट मी सी द ओरेकल मैसेज फॉर यू व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। पूरा रीडिंग देखना गाइस, क्योंकि मैं हैंड रिटन मैसेजेस और टी लीफ कार्ड से भी आपको इम्पॉर्टेंट इवेंट्स बताने वाली हूँ। ओके, सो डोंट स्किप एनीथिंग, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आपको बोला जा रहा है कि
जनवरी के महीने में, अगर क्योंकि आपको इतना ज़्यादा अटेंशन मिलेगा, ठीक है, आप बहुत लोगों को जो है अट्रैक्ट करने वाले हो इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024. सो आपको देखना है स्पेशली फॉर सिंगल पीपल कौन आपके लिए अच्छा है और कौन आपके लिए अच्छा नहीं है. ओके, सो यू नीड टू पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स. अगर कोई टू गुड टू बी ट्रू हो रहा है, यू नीड टू पे अ बिट ऑफ अटेंशन टू दैट. ठीक है, क्या जेन्युइनली ये आपका शुभ चिंतक है या फिर नहीं. ओके, यू नीड टू गेट दैट थिंग. ऑल राइट, ये आपकी एडवाइस हो गई. चलिए अब देख लेते हैं करियर में आपके लिए क्या आ रहे हैं. प्लीज यूनिवर्स गाइड करें. जनवरी 2024 में हमारे फायर साइंस की करियर कैसे रहने वाला है. फोर ऑफ वॉन्स, वेरी नाइस. फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके. हेरिफेंट, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स. वाओ यार, फायर साइंस के तो एकदम लॉटरी लग रहे हैं जनवरी के महीने में. वेरी नाइस. सो जो लोग अनएम्प्लॉयड है, देयर इज अ चांस कि आपको न्यू जॉब या न्यू बिजनेस आपको मिल रही है इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024. ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है गाइस. सो प्लीज पे अटेंशन, पूरा चीज अच्छे से ध्यान से सुनिए. ठीक है, जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए आपको एक अच्छी टीचर या मेंटोर मिलेगी. इनफैक्ट मुझे लग रहा है अगर आप कोई एग्जाम भी दे रहे थे, उनका पढ़ाई आप बहुत अच्छा करने वाले हो उसके लिए, एंड दैट्स व्हाई यू विल गेट सक्सेस इन इट. ओके, विद द हेरिफेंट, जो लोग स्टूडेंट्स हैं आपके लिए भी एक बहुत बेहतरीन टाइम आ रहे हैं. विथ फोर ऑफ वॉन्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, मुझे दिख रहा है कि आप अपने पैसे जो है बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो. ठीक है, कुछ अपने सेलिब्रेशन, अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज कर रहे हो, कुछ आप जरूर सेव कर रहे हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग. अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए थे, उसके रिटर्न बहुत अच्छे आ रहे हैं जनवरी के महीने में. ठीक है, दैट इज ऑल्सो सीन ओवर हियर. इनफैक्ट आप किसी ऑफिस पार्टी में या फिर किसी कॉम्पिटिशन में आप कुछ जीत भी सकते हो. ठीक है, लाइक अ लकी ड्रॉ या फिर कोई अवार्ड आप जीत सकते हो जो आप सेलिब्रेट कर रहे हो. फॉर सम ऑफ यू, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस करते हो, आप कोलैबोरेशन में किसी के साथ कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ मनी. इनफैक्ट मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग अपना खुद का कोचिंग सेंटर स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024. ओके, फाइनेंसेस लुक गुड. बहुत अच्छी एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है इन द मंथ ऑफ जनवरी, फर्स्ट मंथ एंड अ ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी. ओके, सो डोंट लेट इट गो अवे, उस चीज का ध्यान रहे. चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है. प्लीज यूनिवर्स गाइड करें फॉर फायर साइंस, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी. यू हैव द किंग ऑफ कप्स. ओके, मैं कार्ड्स को थोड़ा अरेंज कर देती हूँ, इससे आप प्रॉपरली देख पाएंगे सारे कार्ड्स. ओके, यू हैव द किंग ऑफ कप्स, आई होप इट्स विजिबल नाउ. वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव द नाइन ऑफ सोर्ड्स. ओके, आपको बोला जा रहा है कि जनवरी के महीने में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, अदरवाइज आपको हेडेक की इश्यू हो सकती है, या फिर अगर स्लीप बहुत कम होगा तो फिर आपको लो एनर्जी फील हो सकती है. ठीक है, यू नीड टू बैलेंस योर इमोशंस विद द किंग ऑफ कप्स. प्लीज अपने इमोशंस पे एक कंट्रोल बना के रहिए. विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं फॉर वर्क और इन योर पर्सनल लाइफ, आपको थोड़ा सा उसमें रिडक्शन लाने की जरूरत है, बिकॉज आप बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हो, इसके वजह से हो सकता है कि आपको हेल्थ इश्यूज हो. यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे ये बोला जा रहा है कि आपके जो बातें हैं, ओके, उस पर थोड़ा ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा कठोरता ना हो, बहुत ज्यादा आप रूड ना बने, अदरवाइज दैट कैन बैकफायर ऑन यू. ओके, लेट्स सी योर फैमिली टावर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, टेम्परेंस. ओके, फैमिली के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई सडन चेंज या सडन मूवमेंट आपके लिए आ सकता है, बट द फैक्ट इज कि जितना जल्दी वो आएगा उतना जल्दी वो चला भी जाएगा. ठीक है, थोड़ा सा आपको फाउंडेशन प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, बट द गुड पार्ट इज वो जल्दी रिजॉल्व भी हो जाएगा विद द टेम्परेंस कार्ड. ठीक है, अभी आपका मनी का देख लेते हैं. व्हाट्स कमिंग इन योर मनी एंड फाइनेंसेस. यू हैव द फाइव ऑफ कप्स, द किंग ऑफ सोर्ड्स,
फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मनी को थोड़ा सेव करने की कोशिश कीजिए, वरना आपको फाइनेंशियल इश्यूज जनवरी के मंथ में नहीं बट दूसरे मंथ्स में आने के चांसेस होंगे, ठीक है। बी अ बिट प्रैक्टिकल वाइल स्पेंडिंग मनी, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस ना करें और जो पुराने लॉसेस हुए हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा गौर ना करें, ठीक है। नाउ लेट्स सी योर टी लीफ कार्ड्स, आई विल टेक फाइव ऑफ देम, व्हाट्स कमिंग इन फॉर यू, एंड देन आई विल सी सम ऑफ माय हैंड रिटन मैसेजेस। ओके गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर देना, इससे आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलेगी। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर से वहां पे कांटेक्ट कर लीजिए क्योंकि सेल आज रात को खत्म हो जाएगी, ठीक है। न्यू पेट, सो जनवरी के महीने में आपको न्यू पेट मिल सकता है। लव मैरिज, अगर आप लव मैरिज करना चाह रहे थे, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग इन जनवरी। फ्रीडम, आपको फ्रीडम मिल रही है। अबंडेंस, लॉट्स ऑफ अबंडेंस इज कमिंग इन फॉर यू। लव, सो यस, लव इज ऑल्सो कमिंग फॉर यू। देन वी हैव स्पियर, हार्टेक ओवर वॉट यू नो लॉन्गर हैव। सो फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, पुराने चीजों को लेके दुखी ना होए। हैप्पीनेस, सी हैप्पीनेस इज कमिंग फॉर यू, उस पर प्लीज फोकस करें। रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर, सो जो भी एक डिफिकल्ट पार्ट आपकी लाइफ की चल रही थी वो खत्म होने को आई है। स्वीपिंग विलो, फैमिली सॉरो, फैमिली के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि टावर कार्ड भी आया था, सो हो सकता है फैमिली में कुछ इश्यूज हो। रूस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस, सो अगर कोई इंसान ऐसा है आपके लाइफ में बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड दे देते हैं जनवरी में जिस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। गाइडेंस कार्ड फॉर माय फायर साइंस, कृष्णा, डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो अगर आप लॉर्ड कृष्णा का भक्त है तो प्लीज उनको याद कीजिए, उनको शरण कीजिए, ये आपके मदद करेंगे। ओके, सो टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, बाय। हेलो माय अर्थ साइंस, लेट्स सी कि आपकी जनवरी 2024 कैसे रहने वाला है। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अगर आपका सन मून या राइजिंग टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, ये है आपका रीडिंग। ध्यान में रखिए गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो मैसेज रेजोनेट करे आपको ले लेना है, जो ना रेजोनेट करे आपको जाने देना है। एंड यस, ये एक जेंडर लेस रीडिंग है, सो प्लीज सबके लिए ये है वैलिड। ओके, इस चीज का ध्यान रखिए। और आज की रीडिंग में गाइस, पहले हम लोग आपके लव लाइफ देखेंगे, फिर आपके करियर देखने वाले हैं, फैमिली, फाइनेंसेस एंड हेल्थ, ठीक है, ये सब कवर करेंगे। ओरेकल मैसेज भी लेंगे, आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे, टी लीफ कार्ड से भी मैसेज लेंगे और मेरे हैंड रिटन मैसेजेस से भी लेंगे। सो मेक श्योर कि आप कुछ भी मिस आउट ना करें, ठीक है। लेट्स बिगिन विद योर लव लाइफ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जनवरी 2024 लव लाइफ। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, थैंक यू सो मच। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, वेरी नाइस, टू ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक एट ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहां पे नंबर्स इंपॉर्टेंट आए हैं, 8, 6, 2, ठीक है, टू नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए बोला जा रहा है कि लव लाइफ में आप खुद को विक्टिमाइज ना करें, जितना बुरा आप एक सिचुएशन को समझ रहे हैं उतना बुरा वो सिचुएशन नहीं है। ओके, सो प्लीज डोंट ओवरथिंक एंड कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन, अदरवाइज वो आपके लव लाइफ में फालतू के प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में है, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। लाइक इफ यू गाइज आर डेटिंग, आपको कमिटमेंट मिल सकती है। अगर आप लोग कमिटेड हो तो शादी में बात हो सकती है, टर्न आउट हो सकता है। सो डेफिनेटली जस्टिस इज कमिंग टू यू, इक्वल गिव एंड टेक इज कमिंग फॉर यू। जो लोग सिंगल्स हैं, स्पेसिफिकली आपके लिए सोलमेट आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024, ओके, यू आर गेटिंग इन टू अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप फॉर श्योर। अगर कोई कंफ्यूज्ड है दो ऑप्शन के बीच कि आपको चूज किसको करना है जनवरी के मंथ में, यू आर फाइनली टेकिंग दैट डिसीशन। ओके, मेजरली मुझे लग रहा है कि वो डिसीशन लेते वक्त आपको थोड़ा हेल्पलेस महसूस हो सकता है, बट यू विल फाइनली चूज द पर्सन जिसके साथ आपका फ्यूचर है, लॉन्ग टर्म जिसके साथ आपका अच्छा गुजरने वाला है, ठीक है। सो यू विल टेक द राइट डिसीशन फॉर योर सेल्फ।
साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप किसी से प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे थे, देन दैट पर्सन इज प्रपोजिंग यू एज वेल. न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं. इनफैक्ट अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में थे, अगर आप अच्छे से मैनिफेस्ट करो उस इंसान को, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इंसान आपके पास वापस आएंगे. ठीक है, बट प्लीज अपने आप को ऐसे बंधे हुए महसूस ना करें, क्योंकि इसके वजह से आपकी एनर्जीज ब्लॉक हो सकती है इन योर लव लाइफ. ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दैट. चलिए ओरेकल से देख लेते हैं. गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज जल्दी से लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बेल बटन ऑन कर लो, इससे आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलेगी. साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये तो जनरल रीडिंग है. पर्सनल रीडिंग पे अभी फ्राइडे सेल जो है वो चल रहा है, और वो सिर्फ आज रात के लिए ही है. ठीक है, इट्स ओनली फॉर 24 आवर्स. सो अभी जाके बुक कर लो अपना पर्सनल रीडिंग, बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं. ठीक है, चलो नाउ लेट्स सी सोलमेट. डिडंट आई टेल यू दिस कि जनवरी के मंथ में आपका सोलमेट आ रहे हैं. सी, दिस इज अ कन्फर्मेशन. ओके, येस, दिस इज योर सोलमेट. अगर आप किसी के बारे में सोच भी रहे थे इस रीडिंग को देखते देखते, देन दिस इज अ कन्फर्मेशन कि हाँ, वही पर्सन आपके सोलमेट है. ओके, ब्यूटिफुल एनर्जीज. चलिए मूविंग ऑन टू योर करियर. कैसी रहेगी आपके करियर? वेरी नाइस. ओके, अर्थ साइंस के करियर जनवरी 2024 में कैसे रहने वाला है? वाओ, आई हैव गॉट द सन कार्ड, वेरी ब्यूटिफुल. व्हाट एल्स? स्ट्रेंथ, वेरी नाइस. दो दो मेजर अरकानास आ गए आपके लिए. डेथ इन रिवर्स. बॉटम ऑफ द डेक, फाइव ऑफ वंड्स. ओके, जनवरी का महीना आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहने वाले हैं. अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आप पूरी तरीके से बहुत मेहनत करेंगे उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, एंड आई सी कि आप उसको क्लियर भी कर रहे हो. ठीक है, अगर कोई ऐसा जॉब था जिससे आपको लग रहा था आपको निकाल दिया जाएगा, या कोई बिजनेस था जो पूरी तरीके से डाउन चल रहा था, आपको लग रहा था कि बंद कर देने की नौबत आएगी, नो, उसमें एक रिन्यूअल आएगा. ठीक है, फाइनली आई कैन सी विद द सन कार्ड एंड द डेथ इन रिवर्स कार्ड, जो चीजें आपको लग रही थी खत्म हो गई है, उस चीज में आपको मैसिव सक्सेस देखने को मिलेगा इन जनवरी 2024. ओके, इट्स नॉट ओवर येट. आपके लिए होप, पॉजिटिविटी, गुड न्यूज डेफिनेटली आ रही है. ओके, विद द स्ट्रेंथ कार्ड आई कैन सी कि अगर आप स्पेसिफिकली डॉक्टर हो, आपका बहुत अच्छा एक इनकम हो रहा है इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024. सडनली आप देखेंगे देयर इज अ सर्ज इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स और केसेस दैट यू आर डीलिंग विद. ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं, मुझे दिख रहा है कि आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी मेहनत का रंग जरूर से आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, सो यू नीड टू पुट इन मोर एफर्ट्स इन योर स्टडीज. ऑलराइट, चलिए नाउ लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024. हेल्थ कैसी रहेगी अर्थ साइंस के लिए? जस्टिस. ओके, व्हाट एल्स? हेल्थ कैसी रहेगी हमारे अर्थ साइंस के लिए? फाइव ऑफ सोर्ड्स. ओके, व्हाट एल्स? द लवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स. ओके, हेल्थ के मामले में मैं बोलूंगी कि यू आर डूइंग जस्टिस टू योर बॉडी. आपके लिए जो करेक्ट एक्सरसाइज है, फूड है, आप उसको कर रहे हो. डोंट गेट इन टू ईगो बैटल्स और फालतू के झमेले में मत पड़िए, बिकॉज दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम विथ योर मेंटल हेल्थ. ठीक है, फालतू का मत कीजिए. अगर कोई इंसान आपको प्रोवोक कर रहा है, जस्ट लेट देम गो. ओके, जस्ट कट देम ऑफ एंड लेट देम गो. डोंट गिव योर एनर्जी टू देम, एज सिंपल एज दैट. ओके, लवर्स के साथ मुझे लग रहा है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लोगे व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, जो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा. ये कोई भी डिसीजन हो सकता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप सोचोगे कि 30 डेज मैं जंक फूड नहीं खाऊंगी. ओके, सो दैट विल रियली हेल्प फॉर योर बॉडी, दैट विल रियली डिटॉक्स योर बॉडी. सो आई कैन सी ओवरऑल हेल्थ में काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही है. डेफिनेटली अगर आप किसी बहुत टाइम से किसी एलमेंट में थे या फिर बीमारी आपको थी, उस चीज़ को भी मैं देख रही हूँ कि आप कंट्रोल कर रहे हो एंड फाइनली यू आर गेटिंग रीड ऑफ दैट. ठीक है, बहुत अच्छा आपको सुधार देखने को मिलेगा. नाउ लेट्स सी योर फैमिली, अर्थ साइन फैमिली, व्हाट्स कमिंग इन? एट ऑफ कप्स. Page of Cups, Knight of Cups,
बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स. ओके, फैमिली में मुझे दिख रहा है, हो सकता है आप अपने वर्क के वजह से, या आपकी शादी हो रही है इस वजह से आप अपने फैमिली से दूर जा रहे हो, या फिर आपके फैमिली में कोई इंसान हो सकता है कि रिलोकेट कर रहा है, ठीक है, इन द मंथ ऑफ जनवरी. साथ ही साथ मुझे लगता है कि आपके लिए आपके किड्स या आपके सिबलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. मुझे लगता है अगर आपके बच्चे हैं उनके थ्रू आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है जनवरी के महीने में. आपके किसी कजिन की शादी हो सकती है, इनफैक्ट मुझे लग रहा है एक सेलिब्रेटरी माहौल रह सकता है. इन अगर आपके कोई ऐसे ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर है आपके साथ रहते हैं, ओके, उनसे आपको कोई इम्पॉर्टेंट एडवाइस मिल सकती है इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024. ओके, चलिए अब आपका मनी देख लेते हैं, कैसे रहेंगे आपके मनी और फाइनेंसेस इन जनवरी 2024. बहुत सारे कार्ड्स गिर गए. जनवरी 2024 मनी फॉर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न प्लीज. सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके, दो कार्ड आए, द हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव फाइव ऑफ कप्स. ओके, अगर आपके कोई पैसों की लॉस हुई है इन द पास्ट, उसके ऊपर बहुत ज्यादा रोइए मत. बी केयरफुल बिफोर लेंडिंग और स्पेंडिंग मनी, ठीक है. अगर कोई पैसे मांग रहे हैं सोच समझ के दीजिए, बिकॉज देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो आपको वापस ना करे. या फिर अगर आप कहीं पे मान लीजिए कोई नए चीज पे खर्चा करने वाले हैं, सोच समझ के खर्चा कीजिए, मे बी उसका आउटकम उतना ना मिले जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. ओके, साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी या फिर स्पिरिचुअल रिलेटेड कुछ बिजनेस करना चाह रहे थे, अच्छा होगा कि आप कुछ मनी पहले इन्वेस्ट करें उसमें, उसके बाद ही आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा. इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आप कुछ पार्टी सेलिब्रेशन गेट टुगेदर इन सब में पैसे खर्चा कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करें. ऑल राइट, चलिए नाउ लेट्स सी कि आपके लिए टी लीफ कार्ड से क्या मैसेजेस आ रहे हैं. मैं पांच कार्ड्स लूंगी यहां से, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे फॉर माय अर्थ साइंस. गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज जल्दी से लाइक कर दे, सब्सक्राइब करे चैनल को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिनको हेल्प मिलेगी. एंड यस, पेड रीडिंग जरूर से बुक कर ले क्योंकि अभी ऑफर्स चल रहे हैं और वो सिर्फ आज रात के लिए ही वैलिड है. ओके, उसके बाद खत्म हो जाएगा. अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं. दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है. इनफैक्ट मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ओके, सो जनवरी के मंथ में यू विल हैव सेक्स एंड इंटीमेसी विथ योर पार्टनर. डेफिनेटली टू ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई थी आपके लिए. हीलिंग, यस, जैसे कि मैंने बोला आपके हेल्थ में सुधार आएगी, ओवरऑल हीलिंग. डिवाइन टाइमिंग, अगर आप किसी चीज का वेट कर रहे थे फाइनली वो आपको मिलेगी, डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे कार्ड है. लॉटरी विन, सो यस, आप कोई लॉटरी विन कर सकते हो, सो सडन विनफॉल ऑफ मनी इज पॉसिबल. टेक्स्ट, तो आप अगर किसी से टेक्स्ट का उम्मीद कर रहे हो देन दैट पर्सन विल सेंड यू अ टेक्स्ट. रिकग्निशन, अगर आप कोई काम कर रहे थे उसमें नेम फेम रिकग्निशन आपको मिल रही है. देन वी हैव गॉन्ग एंड एक्साइटिंग इवेंट, यस, कोई एक्साइटिंग इवेंट आपका हो सकता है या फिर आप किसी के इवेंट में जा सकते हो. स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट सिचुएशन, सो डोंट वरी, स्पिरिट्स हैव योर बैक. हैंड, इन नीड ऑफ हेल्प असिस्टेंस गाइडेंस, हो सकता है कि आपको हेल्प की जरूरत पड़े जनवरी में जो आपको मिल रहा है. कुछ लोग आप अपना पामिस्ट्री या हैंड रीडिंग भी करवा सकते हो. सिजर्स, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर. एंड देन वी हैव वल्चर, डिप्रेशन एंग्जाइटी वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू. आप फालतू का टेंशन ले रहे हो मत लो. नाउ लेट सी योर गाइडेंस, ओके, आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या आ रहे हैं. अर्थ साइंस, आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या आ रहे हैं जनवरी के महीने के लिए, आपको क्या करने की जरूरत है. प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, थैंक यू सो मच. ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट. सो आप देख सकते हो कितने अच्छे से कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं. मैंने आपके सामने ही ये कार्ड जो है निकाले हैं. देखिए आपके यहाँ पे सिजर्स भी है, आपके यहाँ पे स्टाफ भी है जो बोलता है कि यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट सिचुएशन, जो भी डिसअपॉइंटमेंट है वो जा रहे हैं. साथ ही साथ
ये भी आपको बोल रहा है कि फालतू का टेंशन ना ले बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड. आप चाहे तो आप ग्रीन तारा मंत्र जो है वो जाप कर सकते हैं, या फिर आप जाप अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वो सुन सकते हैं. ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप यू लाइक्ड इट. पसंद आए तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. टेक केयर, बाय बाय. हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपका वाटर साइन है सन मून राइजिंग यानी कि कैंसर पाइसी स्कॉर्पियो, ये है आपका जनवरी 2024 का प्रेडिक्शंस. सो लेट्स सी जनवरी 2024 आपके लिए कैसे रहने वाला है. ध्यान में रखिए ये एक जनरल रीडिंग है. जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे ले लीजिए, जो ना रेजोनेट करे प्लीज उसको जाने दीजिए. साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी कि ये एक जेंडर लेस रीडिंग है यानी कि लड़का लड़की सबके लिए है ये वैलिड. आज हम आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली, हेल्थ चेक करेंगे. साथ ही साथ मैं हैंड रिटन मैसेजेस से देखूंगी आपके लिए क्या आ रहा है, टी लीफ कार्ड से देखूंगी और आपको गाइडेंस भी दूंगी. ठीक है, सो मेक श्योर आप कुछ भी मिस आउट ना करो. लेट्स स्टार्ट विद योर लव लाइफ वाटर साइंस. कैसे होने वाले हैं आपके लव लाइफ इन जनवरी 2024, लेट्स चेक दैट आउट. वाओ, यू हैव द एस ऑफ वांड्स, लवली एनर्जी. सिक्स ऑफ वांड्स, ब्यूटिफुल. देन वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स. ओके, सो वाटर साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स आए हैं 8, 1, 6. ओके, सिक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको बोला जा रहा है कि अगर आप स्टक महसूस कर रहे हो किसी सिचुएशन में, आप उसका सोल्यूशन ढूंढो, किसी और का हेल्प का इंतजार मत करो. ठीक है, बिकॉज आप खुद ही हो जो आपकी मदद कर सकते हो. बिकॉज आई एम सीइंग कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अपने ख्याली पुलाव पका रहे होंगे जिसके वजह से इश्यूज क्रिएट होंगे, बिकॉज एक्चुअल में आप देखें तो प्रॉब्लम नहीं है आपके लव लाइफ में. ठीक है, एस ऑफ वांड्स दिखाता है एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके लव लाइफ में होने वाला है. चाहे आप ऑलरेडी रिश्ते में हो या फिर आप सिंगल हो, तो आप कोई न्यू एक बहुत अच्छा इंसान से मिल सकते हो जिसके साथ आप डेट कर सकते हो. यू विल हैव अ ग्रेट टाइम. बहुत पैशनेट ये पर्सन होने वाला है और काफ़ी फन टाइम आप लोग इंजॉय करते हुए दिख रहे हो. कुछ लोगों की शादी हो रही है डेफिनेटली जनवरी के महीने में. यहाँ पे मुझे बाराती घोड़े पे चढ़ के एकदम ग्रूम आ रहे हैं, ये सब दिख रहा है. सो यस, लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस न्यू पर्सन को किसी शादी या फंक्शन में मिलो. ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन जनवरी. सो अगर आपकी कोई इन्विटेशन है, सो गेट रेडी एंड लुक योर बेस्ट. ओके, ऑल राइट. जो लोग ऑलरेडी कनेक्शंस में है, डेफिनेटली कुछ लोगों की तो शादी हो रही है, वो मुझे दिख रहा है. कोर्ट मैरिज, सोशल मैरिज, डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस मेंटेन कर रहे हो अपने कनेक्शन में. एंड मुझे लग रहा है कि जितना एफर्ट्स आप दे रहे हो, आपके पर्सन भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, जिसके वजह से थिंग्स आर गोइंग रियली गुड. ओके, चलिए आपके ओरेकल से देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में और क्या आ रहे हैं. अगर आपको पैशन या फिर इंटीमेसी इश्यूज हो रही थी आपके लव लाइफ में, वो चीज़ भी यहाँ पे सॉर्ट होती हुई दिख रहा है. ठीक है, लेट्स सी योर ओरेकल. गेटिंग टू नो ईच अदर, डेफिनेटली एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपेंस. तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग घंटों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो फेस टू फेस ओवर कॉल. कुछ लोगों के लिए आपके फ्रेंड्स जो है एकदम क्यूपिड का रोल प्ले कर सकता है आप दोनों को मिलाने के लिए. एंड यू गाइज आर गेटिंग टू नो ईच अदर और रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा डीप हो रहा है. ठीक है, ध्यान में रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है. पर्सनल रीडिंग अगर बुक करनी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है. और अभी जो है फ्राइडे सेल चल रही है जो आज रात तक ही वैलिड है, उसके बाद और नहीं रहेगी. इट्स ओनली फॉर 24 आवर्स. सो अभी जाइए और अपना रीडिंग बुक कर लीजिए. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू योर करियर. वाटर साइंस का करियर कैसे रहने वाला है, लेट्स सी वाटर साइंस का करियर इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024 कैसे रहेंगे. यू हैव द 7 ऑफ कप्स. दो कार्ड आ गए, मैं इसको नहीं लूंगी. यूनिवर्स, जनवरी 2024 वाटर साइंस करियर प्लीज गाइड करें. थैंक यू सो मच. द मजिशियन, 8 ऑफ पेंटिकल्स
बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ पेंटिकल्स. ओके, कुछ लोगों को जैन के महीने में लग सकता है कि जो वर्क वो कर रहे हैं उसमें जितना पेमेंट उनको मिलता है या सैलरी मिलता है वो काफ़ी नहीं है. ठीक है, सो यू माइट लुक आउट फॉर अदर ऑप्शंस. कुछ लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हो एक न्यू जॉब को, बट आई कैन सी यू वर्किंग रियली हार्ड. कुछ लोग दो दो चीज़ों पर काम कर सकते हो, मल्टीपल जॉब्स, जॉब एंड बिजनेस, ऐसा कुछ भी हो सकता है. बट आई सी यू रियली वर्किंग हार्ड, बट उस हिसाब से आपको मनी नहीं मिल रहा है. ठीक है, आई सी मनी रीडिंग फॉर यू, बट एज ऑफ नाउ करियर में मुझे दिख रहा है कि अगर आपको ऑप्शंस मिल भी रहे हैं, यू आर वेरी कंफ्यूज कि कौन अच्छा है कौन नहीं है. किसी में सैलरी अच्छा है, किसी में पर्क्स अच्छे हैं, किसी में वर्किंग टाइम अच्छे है, सो यू आर नॉट गेटिंग अ गुड कॉम्बो बेसिकली. ठीक है, जिसको लेके आप सेटिस्फाइड रह सकते हो. ऑल राइट, चलिए नाउ मूविंग ऑन टू योर हेल्थ. आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, वाटर साइंस हेल्थ, वाटर साइंस की हेल्थ जनवरी 2024 में कैसी रहेगी. लेट्स सी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ कप्स इन रिवर्स. ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है बिकॉज ऑफ दिस मनी वाला थिंग. ठीक है, कि आप ज़्यादा मेहनत करना चाहते हो, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, उसके लिए आपका जो रेस्टिंग टाइम है वो थोड़ा सा कम होते हुए मुझे दिख रहा है. ठीक है, क्योंकि वो रेस्टिंग टाइम कम हो रहा है, तो अगर आप किसी चीज़ में हील करने के लिए सोच रहे थे, वो हीलिंग डिले हो रहा है, इसीलिए ये नाइन ऑफ कप्स रिवर्स आए हैं. आपका जो विश फुलफिलमेंट है आपके हेल्थ को लेके, हो सकता है कि आपको एक परफेक्ट बॉडी चाहिए, वेट लॉस, वेट गेन, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, आपकी पर्सनल जो विश है उसमें थोड़ा डिले मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू इन्वेस्ट इन योर हेल्थ. ठीक है, एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ योर करियर, वो चीज भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है. सो यू नीड टू फाइंड द बैलेंस. ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा खर्चा कर सकते हो, लाइक हेल्थ रिलेटेड एक्सेसरीज जो होते हैं, यू नो, वॉच या फिर समथिंग रिलेटेड टू दैट, उस चीज में आप खर्चा कर सकते हो, जस्ट टू कीप अ चेक ऑन योर हेल्थ. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी आपकी फैमिली कैसी रहेगी. जैन 2024 वाटर साइंस फैमिली, द हैंग्ड मैन, द हाई प्रीस्टेस, द स्टार. वाओ, तीन तीन मेजर अरकानास आए हैं गाइस. मुझे लगता है अगर कोई फैमिली मैटर स्टक था, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज स्टक था, कोई प्रॉब्लम बहुत टाइम से अगर चल रही थी फैमिली में, फाइनली दैट थिंग इज गेटिंग ओवर एंड विद द स्टार कार्ड आपका विश फुलफिलमेंट हो रहा है. ठीक है, कुछ लोगों का हो सकता है कि फैमिली में या आप खुद ही किसी एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर को कंसल्ट कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर, एंड एक्चुअली वो आपको गाइड करेंगे जिससे आपकी फैमिली लाइफ और बेहतरीन होगी. इनफैक्ट मुझे ये भी लग रहा है कि आपके फैमिली में कोई हो सकता है जो शायद कुछ क्रिएटिव वर्क करता है, उनको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलने वाला है. ठीक है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, सो हो सकता है फैमिली बॉन्डिंग्स आपका पहले से बेहतर हो. अगर फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे थे जहाँ पे यू नो लाइक लोगों में बातचीत नहीं हो रही थी, अलग अलग रह रहे थे, यू नो, स्पेशली इफ यू आर इन अ जॉइंट फैमिली, आई एम सीइंग थिंग्स आर रियली गेटिंग बेटर. ओके, इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024. चलिए अब देख लेते हैं कि मनी में आपका क्या आ रहा है. मनी में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम दिख रहा था, बट लेट्स सी मनी वाइज कुछ अच्छा आ रहा है कि नहीं इन जैन में. फाइव ऑफ कप्स ही. ओके, द मून, द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक इज टेन ऑफ कप्स. हो सकता है मनी रिलेटेड इश्यूज में आपको थोड़ा अपने फैमिली से मदद मांगनी पड़े इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके कुछ लॉसेस हुए हैं जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा वरीड हो, या फिर जान के मंथ में हो सकता है कि कुछ लॉसेस हो, बिकॉज विद द मून कार्ड आई कैन सी कि ये खर्चे जो है सडनली सरफेस होगा, पहले से आपको पता नहीं होगा, बट सडनली ये खर्चे होगा एंड देन यू विल बी लाइक ओ माई गॉड, मेरा इतना सेविंग चला गया, अब मैं कैसे मैनेज करूँ, एंड देन यू विल बी लाइक थोड़ा सा डिटैच कर लेंगे, बहुत ज़्यादा सोशल चीज़ों पर नहीं जाएंगे, खर्चे नहीं करेंगे, यू विल टेक वन स्टेप एट अ टाइम. ओके, एंड यू विल बी वेरी ग्लैड कि आपके फैमिली आपको पैसों के मामले में मदद करेंगे इन द मंथ ऑफ जैन 2024. ओके,
चलिए अब टी लीफ कार्ड्स और हैंड रिटन मैसेजेस से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहे हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लो एंड यस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए और मेरा जो फ्री कम्युनिटी है जिसको एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस मिलते हैं उनके लिंक्स मैंने व्हाट्सएप पे दे दिया, सॉरी डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहां जाके प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको और भी ज्यादा स्पिरिचुअल चीजों के बारे में पता चलेगा, आपको और भी रीडिंग्स मिलेगा जो मैं इंस्टाग्राम पे भी डालती हूँ, ठीक है। चलिए यहां से भी देख लेते हैं कुछ चीजें। ओके लेट्स टेक सम व्हाट्स कमिंग फॉर वाटर साइंस इन जनवरी। चलिए देखते हैं टाइम, अगर आपको वक्त की जरूरत था किसी भी चीज के लिए देन यू आर गेटिंग टाइम इन जनवरी। गिफ्ट्स एंड गुड विशेस, आपको गिफ्ट्स एंड गुड विशेस मिल सकता है स्पेशली अगर आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है। डिवाइन टाइमिंग, किसी चीज का आप वेट करे हो फाइनली वो टाइम आ रहा है आपके लिए। पार्टी सेलिब्रेशन, हो सकता है आपको इनविटेशन मिले कोई पार्टी सेलिब्रेशन का या आप भी कर सकते हो। लव मैरिज, अगर आप लव मैरिज चाह रहे थे दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। नाउ लेट्स सी दिस लायन, टाइम टू एक्ट, यू नीड टू टेक एक्शन फॉर समथिंग। एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, तो ऐसा कोई चीज आएगा जो आपको टेस्ट करेगा, यू नीड टू स्टे स्ट्रांग। क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विथ लाइफ, कुछ चीजें हो सकता है जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड रहे अपने लाइफ में, स्पेशली आपका करियर और मनी मेरे को दिख रहा है। डॉग फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में सोच रहे हैं जो आपसे दूरी पे रहते हैं। फनल, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन टू बी लर्न, हो सकता है कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड रहो और कुछ चीजें आपको सीखनी पड़े इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024। ओके नाउ लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहे हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है गाइस तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां पे बुक करके आपका पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो, ठीक है। आपको गाइडेंस रेमेडी सब मिल जाएगा। लेट्स चेक द गाइडेंस। पॉल द वेनेशियन, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, सो दिस इज योर कार्ड। यहां पे लिखा है शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग फॉर यू, सो कमिंग टू यू। सो बेसिकली आपके पास जो भी गिफ्ट्स है, चाहे वो इंट्यूटिव गिफ्ट्स हो, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो, वो दूसरों के साथ शेयर करें। सो दैट्स योर मैसेज। ओके सो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, टेक केयर, बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एयर साइंस एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाई, ये है आपकी रीडिंग। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स सी आपके जैन 2024 कैसे रहने वाले हैं। सो ध्यान में रखिए गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो मैसेजेस रेजोनेट करे आपको ले लेना है, जो ना रेजोनेट करे आपको जाने देना है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी कि ये एक जनरल लेस रीडिंग है, सो लड़का लड़की सबके लिए है ये वैलिड। ओके सो आज हम देखेंगे आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, फैमिली एंड करियर, सॉरी मनी, ओके हेल्थ एंड उसके साथ साथ हम लोग जो है ओरेकल भी देखेंगे, टी लीफ कार्ड्स भी देखेंगे, मेरे हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे और आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर आप कुछ भी मिस आउट ना करो। नाउ लेट्स बिगिन विथ योर लव लाइफ, हमारे एयर साइंस के लव लाइफ कैसे होने वाले हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। ओके यू हैव गॉट द पेज ऑफ कप्स, the nine of swords, temperance, bottom of the deck है the page of swords, okay, air sign, first thing first, यहाँ पे जो energies आया है वो है number 11, 9 and 14 और 5, और यहाँ पे energies आए है कि कोई ऐसा young person है, either आप या कोई और, जो आप पे बहुत नजर बनाए रख रहे हैं in the month of Jan 2024, बहुत ज्यादा स्टॉकिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। सो इफ यू नो हु इज दिस पर्सन देन यस, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करे है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, आप पे नजर बना के रखे है। इनफैक्ट वो सोच रहे हैं कि कौन सा ऐसा बेस्ट टाइम हो जब वो आपको प्रपोज करे, बिकॉज आई कैन सी दैट अ रोमांटिक ऑफर इज कमिंग योर वे। फॉर मेनी ऑफ यू इट्स अ लव ऑफर, बट ये हो सकता है कि आपसे एज में थोड़े छोटे हो ये इंसान, ओके दैट इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आप ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो और बहुत टाइम से आप इस एंजाइटी की एनर्जी में हो,
तो फिर उस चीज में आपको हीलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। जो लोग जैन के महीने में ऐसे एंग्शियस हो रहे हो, प्रेशर फील कर रहे हो, आपको बोला जा रहा है दैट यू नीड टू क्लियर दिस एनर्जी, क्योंकि अगर आप इस एनर्जी को क्लियर नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए बैलेंस नहीं आएगा विद द टेम्परेंस कार्ड। साथ ही साथ मुझे लग रहा है जनवरी के महीने में आपको बहुत ज्यादा ड्रीम में डाउनलोड्स मिलेगा रिगार्डिंग योर लव लाइफ। ओके, सो उस चीज का ध्यान रखिए, एक ड्रीम जर्नल जो है मेंटेन कीजिए सो दैट आपको सारे मैसेजेस आप डिकोड कर पाओ, ठीक है। हो सकता है आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है एंड योर पार्टनर इज सेंडिंग योर मैसेजेस थ्रू ड्रीम्स। ओके, सो उन चीजों को जानने के लिए यू नीड टू फॉलो दैट। ओके, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपके बच्चों से आपको गुड न्यूज मिलने का संभावना है, या फिर हो सकता है कि अगर आप लोग किसी परेशानी से या सेपरेशन से गुजर रहे थे उस चीज में भी रिकंसिलिएशन या रियूनियन आपके लिए आ रहे हैं। ओके, दैट्स ऑल्सो सीन। चलिए ऑरेकल से देखते हैं और आपके लव लाइफ में क्या आ रहे हैं। बाय द वे गाइस, ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप करके, क्योंकि अभी जो है लास्ट फ्राइडे सेल चल रहा है एंड वो सिर्फ आज रात के लिए ही वैलिड है, ओनली 24 आवर्स, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सो दैट उनको भी गाइडेंस मिले। ओके, रिलीज योर एक्स, तो आपको बोला जा रहा है दिस टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। सो अगर आप बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस फील कर रहे थे फॉर योर एक्स, यू नीड टू रिलीज देम, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए रिकंसिलिएशन होगा, कुछ लोगों के लिए आप अपने एक्स को लेट गो करेंगे, तभी ये नया पर्सन आपके लाइफ में आएगा। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपको रिलीज योर एक्स के साथ कुछ पास्ट के ऐसे पेनफुल मेमोरीज को अपने लाइफ से दूर करना है, जिसके वजह से आपके लव लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। सो सम ऑफ यू आर कंटिन्यूइंग विद द सेम पर्सन, बट आपके जो दुख भरी जो मेमोरीज है उसको आप पीछे छोड़ रहे हो, ठीक है, सो दैट हीलिंग कम्स इन दैट रिलेशनशिप। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू योर करियर, एयर साइंस, आपके करियर में क्या आ रहे हैं इन जनवरी 2024। यू हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जनवरी के महीने में मुझे दिख रहा है कि इनिशियली आप बहुत स्टेबल फील करेंगे, आपके इनकम इंक्रीज हो सकता है, सैलरी इंक्रीमेंट हो सकते हैं, बट जब आपको ये स्टेबल पोजीशन मिलेगा, स्पेसिफिकली अगर आपको कोई प्रमोशन या रेज मिल रहा है, देयर विल बी पीपल अपोजिंग इट, ठीक है, देयर विल बी पीपल हु विल चैलेंज योर पोजीशंस, और जिनको लगेगा कि आप अनफेयर थे, वो डिजर्व नहीं करते थे, बट स्टिल आपको वो चीज मिल गया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच आपको थोड़ा सा अपने जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर डाउट आ सकते हैं विद द टू ऑफ सोर्ड्स, बट आपको ये चीज नहीं करना है, क्योंकि द मोमेंट यू डाउट योर सेल्फ आपको और ज्यादा रेजिस्टेंस फील करना पड़ेगा विद इन योर सेल्फ एंड ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। आपको क्या करना है, उन्हीं लोगों की बात सुननी है जो आपके फेवर में है, जो आपके जेन्युइन टीम मेंबर्स है, उनके साथ ही प्लीज चीजें डिस्कस कीजिए। अगर आप बिजनेस करते हो, आपको एक अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल सकता है, या फिर ऑलरेडी अगर आप ज्वाइंट वेंचर में कोई काम करते हो, देन यू माइट रिसीव मेंटरशिप और सम गाइडेंस फ्रॉम एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो आपके बिजनेस में और ज्यादा बढ़ोतरी दिखाएगी, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप स्टूडेंट हो, आपके लिए बोला जा रहा है दैट यू विल फेस सम चैलेंजेस इन द मंथ ऑफ जनवरी, बट आपको जो है मेहनत करते जाना है, बिकॉज आपके सक्सेस डिलेड जरूर है बट यू स्टिल हैव सक्सेस, ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखिए। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू योर हेल्थ, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी फॉर जनवरी 2024। यू हैव द नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, टेन ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्स। हेल्थ आपकी काफी अच्छी दिख रही है, मटीरियलिस्टिक चीजों में आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो, सो दैट्स वाई यू आर वेरी हैप्पी। हेल्थ रिलेटेड जो भी पैसे खर्चा आपको करना है वो पैसे आपके पास है। सम ऑफ यू माइट गिव इन टू योगा मेडिटेशन, जो आपकी मेंटल हेल्थ को बेटर करेगा, या फिर आप किसी गाइडेंस ले सकते हो फ्रॉम अ स्पिरिचुअल टीचर, गुरु,
या आप किसी भी हायर पावर जिसको जिसमें भी आप बिलीव करते हो, ठीक है। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी बिकॉज आपकी फैमिली हैप्पी रहेगी। ओके, फैमिली के लिए मुझे एक बहुत अच्छा एनर्जीज मिला है फिलहाल, सो यू विल बी वेरी हैप्पी व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली। आपके स्पाउस, बच्चे, माँ बाप जो भी है, सिबलिंग्स, यू विल बी हैप्पी रिगार्डिंग देम। इनफैक्ट आपकी हेल्थ रिलेटेड हो सकती है कि एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए और उसके साथ आप कुछ नए चीज़ें ट्राई करने के बारे में सोचो जो और आपकी हेल्थ को बेनिफिट करेगी, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स सी योर फैमिली लाइफ, फैमिली आपकी कैसे रहने वाली है हमारे एयर साइंस की। फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, द मून, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके फैमिली में हो सकता है कोई यंग पर्सन बहुत सिग्निफिकेंट रहे और आपके भाई बहन या फिर उस कजिन को या यंग पर्सन को कोई फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिले, जैसे कि कोई स्कॉलरशिप हो गया या फिर उनको जॉब, उनका जॉब लग गया, स्टेबल एक अपॉर्चुनिटी मिले। साथ ही साथ अगर फैमिली में आपका किसी के साथ फाइट चल रहा था, ओके, वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके फैमिली में जो नियर बाई है, जैसे कि आपके नियर एंड डियर वंस है, लाइक आपके मॉम, डैड, आपके फ्यूचर स्पाउस, बच्चे, वो तो आपके फैमिली के ही पार्ट हुए, बट जो थोड़ा एक्सटेंडेड फैमिली है, ठीक है, उसमें हर कोई नहीं है जो आपका भलाई चाहे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो विद दिस मून कार्ड आई कैन सी दैट देयर माइट बी अ पर्सन जो यू नो एरा बन के पेरा खाने के फिराक में है, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। अगर कोई इंसान का मेंटालिटी ऐसा है तो आपको उस थर्ड पार्टी को एंटरटेन नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज वो थर्ड पार्टी क्या करेगा, आपके कनेक्शन में आके अच्छा बन के एक्चुअली आपका बुरा करेगा, ठीक है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि अगर कोई किसी इंसान का ट्रैवल प्लान चल रहा था फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024, दैट कैन बी कैंसल्ड, बट एक्चुअली वो उनके हित में हो रहा है क्योंकि अगर वो ट्रैवलिंग होता तो फिर वो किसी प्रॉब्लम में फंस सकते थे, ठीक है। सो आई एम गेटिंग दैट मैसेज इज वेल। चलिए लेट्स सी योर मनी, मनी कैसा रहेगा फॉर द एयर साइंस। फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वंड्स। ओके, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं मनी बहुत अच्छा फ्लो होगा आपके लिए, यू विल फील वेरी स्टेबल, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि अगर कोई पैसों के मामले में आपको हेल्प भी करना चाह रहे हैं, यू आर नॉट टेकिंग बिकॉज यू फील यू आर फाइनेंशियली गुड, इन अ गुड सिचुएशन। हो सकता है कोई अगर पैसा मांगने आए, यू कैन बी रूड टू समवन, सो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि रूडली किसी से बात ना करें। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का जो भी गोल्स है वो काफ़ी बड़े हैं, एस्पिरेशंस काफ़ी हाई है, सो आपको बोला जा रहा है कि यू टेक वन स्टेप एट अ टाइम, जस्ट बिकॉज आपको अभी उतना पैसा नहीं मिला है दैट डजंट मीन दैट यू आर नॉट सक्सेसफुल। ओके, सो यू हैव टू बी पेशेंट एंड सैटिस्फाइड एट द सेम मोमेंट, ठीक है। चलिए नाउ मूविंग ऑन, लेट्स सी टी लीफ कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड यस मुझे कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको वीडियो, शेयर करना फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ, उनको भी गाइडेंस मिलेगी। एंड मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है reetarrow1111_, उस पर भी मैं रीडिंग डेली बेसिस पे डालती रहती हूँ। एंड मेरा जो फ्री कम्युनिटी है उस पर एक्सक्लूसिव जो है चीज़ें मिलती है, सो दोनों का ही लिंक मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके मुझे ज्वाइन कर लो तो आपको भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। लेट्स सी टी लीफ कार्ड से आपके लिए क्या आ रहा है, आई विल टेक फाइव ऑफ देम, और हैंड रिटन मैसेजेस से भी हम देखेंगे व्हाट्स कमिंग इन फॉर यू। Okay, so let me take, क्या आ रहे हैं हमारे एयर साइंस के लिए, लेट्स सी दैट। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। न्यू पेट, तो आप किसी नए पेट को अडॉप्ट कर सकते हो इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024। एक्साइटमेंट एंड पैशन, तो आपके कनेक्शन में एक्साइटमेंट और पैशन आ सकता है, इन जनरल आपके लाइफ में भी आ सकता है।
लाइफ पर्पस, जिनको अपना लाइफ पर्पस का पता नहीं था वो आपको पता चल रहा है। लव मैरिज, अगर आपको लव मैरिज करनी थी देन देयर आर पॉसिबिलिटीज एज वेल। ब्यूटी, आपका ब्यूटी एनहांस हो रहा है, हेल्थ बेटर हो रहा है, ठीक है। देन वी हैव पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, मैसेजेस फ्रॉम योर टी लीफ कार्ड। वी हैव कैमल, प्रिजर्व, परसिवियर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। जैसे कि मैंने बोला, आप गिव अप मत करो जस्ट बिकॉज अभी उस कामयाबी तक आप नहीं पहुंचो, दैट डजेंट मीन दैट आप कभी नहीं पहुंचोगे, ठीक है। शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, जैसे मैंने बोला एरा बन के पेरा खाने की कोशिश कर रहा है, सो यू नीड टू बी केयरफुल। अक्टूबर के महीने में कुछ शुरू हुआ है जिसका फल आपको जनवरी के महीने में मिलेगा, या जान में आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो जो अक्टूबर में मच्योर होगा। देन वी हैव यंगर वुमन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमन, तो आपसे एज में छोटी किसी लड़की के साथ आप डील कर सकते हो। नाउ लेट्स सी द गाइडेंस फॉर यू, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें फॉर माई ब्यूटिफुल एयर साइंस। पर्सनल रीडिंग बुक करवा लो गाइज, इट्स वैलिड फॉर ओनली 24 आवर्स और वो ख़त्म भी हो जाएगी कल तक। ओके, लेट्स सी गाइडेंस फॉर एयर साइंस, टेक दिस। Freya, phases and cycles, there is a beginning within every ending, illusions are revealed and released. So jaise release your ex ka card bhi aaya tha, so jo bhi ending ho raha hai wo actually ek new beginning ka shuruaat hota hai, theek hai. So you need to release things and people who are not serving you anymore and move forward. All right, so that was your reading air signs. I hope you liked it. Achhi lagi to do like, share, subscribe, Instagram aur mere community pe join kar lo aur apni reading book karwa lo. Happy new year once again, take care guys, bye bye.